हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर आयुष पारिक, मेरे साथ है डॉक्टर अमित उपाध्याय सर। गुरुनीति के अंदर जो हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड एपिसोड था उसमें आप सभी का वेलकम। और आज हम स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर सर, आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस। जी सर, इससे पहले वाला जो एपिसोड था बच्चों, वहां पर हम लोगों ने स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस थे उनको ज्यादा फोकस किया था, तो आज हम एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित बात करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग, जो हमारा लास्ट एपिसोड होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, वहां सर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ से डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ व्हिच हार्मोन ऑफ मेनस्ट्रुअल साइकिल इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। तो सर, कॉर्पस ल्यूटियम के डीजनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो सीधी सी बात है कि जो हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कहीं ना कहीं कि अगर उसके अंदर डिक्लाइन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम भी जो है वो बेसिकली बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अपन जैसे ओवरी के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना जी, तो ओवरी के स्ट्रक्चर जब अपन बनाते हैं तो अपन को प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल, टर्शियरी फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल बन जाता है जी। और ग्राफियन फोलिकल से सेकेंडरी उस साइड रिलीज होता था जिसको अपन बोल देते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन के लिए ओवुलेशन हो गया 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का हो। ठीक है, अब जो ओवुलेशन होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है इसको अपन बोलते हैं कॉर्पस हेमरेजिकम। हेमरेजिकम क्योंकि ब्लड इसके अंदर फिल्ड हो जाता है, कैविटी के अंदर, जो कैविटी से बाहर निकल गया स्पेस जो बताना वहां पर ब्लड फिल्ड हो गया तो हेमरेजिकम। इसके बाद में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम। बिल्कुल, और इसमें ल्यूटीन प्रोटीन आ जाता है इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है, क्योंकि येलो कलर का होता है। जी सर, अब इस कॉर्पस ल्यूटियम का जो फ्यूचर है वो दो पर डिपेंड करता है। अगर मान लो ये सेकेंडरी ओसाइट या ओवम जो रिलीज होके गया है, अगर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो इमीडिएट ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेन रिलीज करता है, एस्ट्रोजन भी करता है, लेकिन मेन जो प्रोजेस्टेरोन है उसका रिलीज होना कम हो जाएगा इमीडिएट। और जैसे और इस कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके एलएच हार्मोन की है सर। अब इसकी जरूरत ही नहीं है तो ये डेस्ट्रॉय हो जाएगा। डेस्ट्रॉय किसकी वजह से हुआ? एलएच हार्मोन का सडन सीक्रेशन करूं गया, क्योंकि ब्रेन को फीडबैक गया कि प्रेगनेंसी नहीं हुई है। नहीं हुई। अगर प्रेगनेंसी होती तो ये इसको मेंटेन रख लेता, फिर उसको आगे रखने के लिए प्लेसेंटा से एससीजी हार्मोन आ जाता, वो इसको मेंटेन कर लेता कॉर्पस ल्यूटियम को, यानी एनएच की जगह एससीजी ओवरटेक कर लेगा। ठीक है ना, तो इसमें देखो जो है आंसर आपने जो बिल्कुल परफेक्ट थर्ड जगह है वही रहेगा सर, थर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर बाकी के ऑप्शन में कहीं हमें मतलब नहीं, कोई मैच ही नहीं कर रहा है। जी सर, the activated spermatozoa undergo acrosomal reaction and the release of various chemicals which one is mean to digest jonah pallisuda। जी जी बिल्कुल, तो बच्चों को पहले ये समझना है कि jonah pallisuda कहां पे लेयर होती है। बिल्कुल, ये सबसे पहले बात अपन करते हैं, जो अपन सेकेंडरी ओसाइट जिसको ओवम कहते हैं वो बनती, उसके बाहर एक लेयर होती है जिसको अपन कहते हैं जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा का एक डॉक्टर साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि सेलुलर लेयर है एसेलुलर, डेफिनेटली एसेलुलर है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी हुई, बेसमेंट मेम्ब्रेन का सीक्रेशन है, फोलिकुलर सेल्स का सीक्रेशन है। तो सबसे बड़ी बात ये जो जोना पेलोसिडा है जिसको मैं जेड पे लिख रहा हूं, ये एसेलुलर लेयर है, ध्यान रखिएगा पहली बात। और सर एक और क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का काम करती है, इधर उधर कहीं ना चिपके। बिल्कुल, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है जी, तो वो जायगोट बन गया। अभी जायगोट में डिवीजन होते हैं, फिर मोरूला, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस स्टेज आती है। अब क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब से निकलता है। हाँ। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ होती है 10-12 सेंटीमीटर। वहां से जब यूरिन करता है यूटेरस में आता है, यूटेराइन कैविटी में जाता है, वहां जाकर इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट और इसको प्रिवेंट क्या करता है, ये कहीं मान लो फेलोपियन ट्यूब में अटैच हो गया तो वहां पर प्रेगनेंसी के लिए जो इन्वायरमेंटल यूट्रस देता है वो तो फेलोपियन ट्यूब देगी नहीं, देगी वहां पे एक ट्यूमर बन जाएगा, गांठ बन जाएगी बड़ी सारी, जिसको वो लगेगा ऐसे प्रेगनेंसी है लेकिन रियल में प्रेगनेंसी होती नहीं है। और इसी को ही एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, झूठी प्रेगनेंसी, फॉल्स प्रेगनेंसी। तो ये उसको प्रिवेंट करती है, ये प्रिवेंट करता है। प्लस फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपको पता सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है, वो भी उसको रॉन्ग जगह पर इम्प्लांट नहीं होने नहीं होता, वो उसको मूव करवा दे, ये दोनों मिलकर अपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी को प्रिवेंट। तो सर अब ये पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे जैसे स्पर्म आया जी, तो स्पर्म के रिलेशन में ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी सब्सटेंस जो है एक्रोसोम रिलीज करेगा, ये एक्रोसोम स्पर्म के अंदर हो गया जिसकी वजह से ये जोना पेलिसुडा जो है इसका लाइसिस हो जाए, ये बेसिकली कहीं ना कहीं स्पर्म जो है एंटर हो जाए फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल सर, इसके अंदर देखिए आप जो ये एक्रोसोम पार्ट आप बता रहे हैं, यहाँ से कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं जो जोना पेलिसुडा को डिस्ट्रॉय करते हैं। वो एंजाइम बेसिकली आपकी बात करते हैं, एक तो होता है एक्रोसीन, एक्रोसोमल रिएक्शन का नाम ही एक्रोसोम से बना होता है, एक्रोसोम होगा। दूसरा जोना लाइसिन, ये भी आपके जोना लाइसिन है, ये भी इसके अंदर है, क्योंकि जो इसका पूरा नाम है जोना पेलुसिडेज, तो ये भी इंक्लूड होता है इसके अंदर। जी, जोना पेलुसिडेज का ZP3 रिसेप्टर होता है। जी जी, ZP3 रिसेप्टर जिससे ये स्पर्म बाइंड होता है, ZP1, ZP2, ZP3 ये गैलेक्टोज का रिसेप्टर होता है जिससे ये बाइंड होता है। जी सर,
तो ये भी इन्वॉल्व होगा। अब तीसरा ऑप्शन दिया हाई एल्डोनेज होता है, लेकिन जोना पेरेसोल अग्री इसके बाद एक और कवरिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं कोरोना रेडिएटा का जो हाइलुरोनिक बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करने का काम आता है। तो जोना पेरेसोल को आपके तीसरा वाला ब्रेक नहीं करेगा, ये दोनों मिलकर उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो आंसर इसका सर फोर्थ आंसर हो गया बच्चों इसका जी। नेक्स्ट में चलते हैं सर, प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करती है और बहुत सारे हार्मोन बनाती है। फॉलोइंग हार्मोन आर प्रोड्यूस इन वुमन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि जो हमारी सर प्लेसेंटा है वो इन हार्मोन्स का रिलीज करती है, पर अभी पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो केवल प्रेगनेंसी में नहीं, नॉर्मली प्रेगनेंसी में जो नहीं होता है उसको जो अलग है, जो नॉर्मल रिलीज उसको अपन को सेपरेट करना है। तो अपन प्रेगनेंसी वाले हार्मोन अलग निकाल लेते हैं, साफ पता चल रहा है एससीजी जी सर। तो पहला वाला ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन हो गया, वो भी प्रेगनेंसी में होता है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ये भी प्रेगनेंसी में, रिलैक्सिन ये भी प्रेगनेंसी में, लेकिन ईस्ट्रोजन तो नॉर्मल फीमेल में निकलता ही रहता है बिल्कुल, और फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी ये इवेंट है, ये शुरुआत कराता है जी सर। तो इसलिए सर हम लोग कह सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन हमारा ये नॉर्मल ही होता है, ये कोई प्रेगनेंसी के लिए कंपलसरी कंडीशन नहीं है, ये दिनों प्रेगनेंसी के लिए कंपलसरी एक्सेप्ट दे दिया था इसलिए एक्सेप्ट है जी जी। फोर्थ आंसर हो गया बच्चों इसका। नेक्स्ट में चलते हैं सर जी, Which of the following will be true about chromosome present in secondary oocyte in human? जी, तो ये कहीं ना कहीं क्रोमोसोम कंपोजिशन पूछ रहा है सेकेंडरी ऊसाइट का, ह्यूमंस के अंदर। बिल्कुल सर, अगर अपन सेकेंडरी ऊसाइट की बात करें जिसको रफली अपन बोल देते ओवा या ओवम, रफली बोल रहे हैं सर, रियलिस्टिक वर्ड तो करेक्ट यही है, क्योंकि ओवम तो पड़ेगा जो फर्टिलाइजेशन सेकंड मियोसिस कंप्लीट होगा, कंप्लीट हो जाएगा जी, सही बात है। तो इसके अंदर ओवम है, तो ओवम अपन को पता है गैमेट है, गैमेट के अंदर अपन को पता है क्रोमोसोम के नंबर होते हैं, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो हो गया 22 प्लस एक्स हो गया, फीमेल की बात करी रहा है, तो 22 प्लस एक्स हम देख लेते हैं सर थर्ड ऑप्शन में, ये तो होगा नहीं, होगी तो भाई आगे 44 डिप्लॉइड होगा नहीं, डिप्लॉइड होगा नहीं, तो सही आंसर 22 प्लस एक्स हो जाएगा जी सर। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, अब सर हमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इनमें से देखनी है जी, तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से कांसेप्ट क्लियर होते हैं तो सर ओगोनिया जी, तो ओवम मदर सेल्स हो गई, ओगोनिया ये 2n हो गई, 2n हो गई जी सर, स्पर्मेटिड n हो गया, n हो गया, प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट आपके बेसिकली प्राइमरी ओसाइट है, तो ये भी सर 2n हो गया बिल्कुल, स्पर्मेटोगोनिया ये भी 2n है, 2n हो जाएगा बिल्कुल, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये हमारी n हो जाएगी, और फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनेगी ये भी n हो जाएगी बिल्कुल। एक दो तीन ऐसी स्ट्रक्चर है जो आपके हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है जी सर, आंसर तीन हमें सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है, आंसर सेकंड में जी। नेक्स्ट में चलते हैं सर, अब एक फिगर दे रखा है हमें जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कहीं ना कहीं ऊजेनेसिस का, तो वेरियस स्टेजेस ऊजेनेसिस की लेबल्ड की हुई है ए बी और सी और डी, तो हमें सर आइडेंटिफिकेशन करना है स्टेज बी के लिए और स्टेज सी के लिए, और उनके साथ में हमें क्रोमोसोम नंबर्स का भी वहां पर क्या करना है, मैच करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, तो ये हमें सर बी दे रखा है, ये हमें सी दे रखा है। तो पहले तो हम देखते हैं कि बी स्टेज देखिए क्या है, कौन सा है बी स्टेज पर, अगर हम देखें तो अगर बी स्टेज की बात करें तो ये अपने प्राइमरी ओसाइट हो, प्राइमरी ओसाइट हो जाएगा बिल्कुल सर, और प्राइमरी ओसाइट पे जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा ही था कि 2n होता है बिल्कुल, और सी की बात करेंगे तो सर ये सी जो बात करें तो ये आपके आ गया फर्स्ट पोलर बॉडी बन रहा है इधर, ये सेकेंडरी ओसाइट हो गया, ये सेकेंडरी ओसाइट, ये आपके एन होगा, एन हो गया, तो डी तो ओवम बन ही रहा है, ये कोई बात ही अलग होगी, ये ओवम हो गया, ये भी एन होगा जी, एन होगा बिल्कुल। हमसे बी और सी के बीच में पूछा है, तो बी हमारा प्राइमरी ओसाइट सर दो ऑप्शंस में दे रखा है, एक तो फर्स्ट में और एक सेकंड में जी, और अब इसके साथ हमें देखना है कि सेकेंडरी ओसाइट फर्स्ट में दे रखा है, सेकंड में भी दे रखा है, पर यहाँ क्रोमोसोम के नंबर डिफरेंट है, यहाँ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन हमें पता है हैप्लॉइड नहीं होता है, पर सर ये इस तरीके, ये पर इस तरीके से है सर, ये यहाँ इसके क्रोमोसोम के नंबर बता रखे हैं पहले, ये स्पेस जो है ना तो इसमें गलत हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि प्राइमरी ओसाइट में 23 इतने नहीं हो सकते ना, इतने 46 हो रहे हैं, 46 है तो ये सही है, और इसके बता रखे हैं सर यहाँ पे, अच्छा सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट बिल्कुल सही, ये 23 है सर, एन हो गए बिल्कुल, तो इस वजह से हम सेकंड इज परफेक्टली करेक्ट है, सेकंड इज परफेक्ट, अच्छा क्वेश्चन है जी। अब इनकरेक्ट मैचिंग हमें देखनी है सर, एक दो तीन चार, चार हमें इस तरीके से दे रखे हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स बच्चों क्लियर होने वाली है आपकी। मेनस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है 50 साल की उम्र तक, बिल्कुल बंद होने का जो सीजन का मतलब स्टॉप होना, स्टॉप होना, यानी कि आवर्त चक 50 के आयु के वर्ष पे लगभग रुक जाता है, जिसे हम मेन्यूपॉज़ कहते हैं, रजोनिवृत्ति बिल्कुल।
यूट्रस के लिए, बिल्कुल इससे पिछले बिल्कुल लिखा हुआ है वॉर्म, या अपन पिछली बार भी लिखा था हिस्ट्रा, ऐसे खूब सारे सिनोनिम्स हैं। आपने पिछली बार बताया भी था कि वॉर्म इंपॉर्टेंट नाम है यूट्रस से रिलेटेड। इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेनस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन, यानी एक मेनस्ट्रुअल साइकिल हो गई, बिल्कुल मेनस्ट्रुअल साइकिल हो गया पूरा, बिल्कुल यहां गलत दे दिया, मेनार्क दे दिया। तो फर्स्ट मेनस्ट्रुअल साइकिल होता है जो प्यूबर्टी आने पर स्टार्ट होता है फीमेल, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो नाम से पता है, रजो मतलब मेनस्ट्रुअल फ्लो, पर दर्शन मतलब दिखाई देना, फर्स्ट टाइम शो होना, बिल्कुल। तो मेनार्क में ये हमारा सब क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत है। और रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इस परमिशन ये हमने लास्ट प्रीवियस वाले में बात हुई डिस्कस किया जी। तो सर हमारा गलत ही पूछा है, तो थर्ड आंसर हम लोग लगा देते हैं, बिल्कुल थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। अब सर ये हमें यहाँ पर वापस से डायग्राम दे रखा है जी एम्ब्रियोनिक स्टेज का डेवलपमेंट के दौरान, तो अब हमें क्या बताना है सर कि स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है इसके रेफरेंस। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम, ब्लास्टोसिस्ट का डायग्राम है जी। तो सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फर्स्ट ही गलत है, क्योंकि ये सॉलिड बॉल ऑफ सेल कह रहा है, यहाँ पे कैविटी साफ दिख रही है, कैविटी साफ पता चल रही है, कैविटी साफ ही है। सॉलिड बॉल तो हम कहते हैं तो मलबेरी स्टेज यानी मोरूला, मोरूला स्टेज होता है, मोरूला के लिए कहते हैं, तो यही हमारा पहला ही गलत हो, पहला ही गलत हो गया। बाकी सर ब्लास्टोसिस होती ही है कैविटी, और डेवलपमेंट इसकी कारण गैस्ट्रुलाइज स्टेज आती है, गैस्ट्रुला शुरू होता है जब ये इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में प्रॉपर जगह पर, तो गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। और एडवांस स्टेज है मोरूला के बाद बन रही है, मोरूला के बाद में आती है, मोर एडवांस है मोरूला, ब्लास्टुला के बाद आती है ब्लास्टोसिस, तो ये तो बहुत एडवांस है, ये तो सिर्फ इम्प्लांट होने की जरूरत है, इम्प्लांट हुआ नहीं प्रेगनेंसी का फर्स्ट ड्यूरेशन काउंट हुआ नहीं। तो सर सही आंसर हमारा फर्स्ट हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा जी। अब सर वापस से डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हैं। मैच द फॉलोइंग करना है हमें, गिवन जो स्टेजेस हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के और उनके डिस्क्रिप्शन के साथ में हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन को शो कर रहा है सर जी। ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन हो गया सर। और सर ये जो स्टेज है ये मलबरी जैसी स्टेज है, यानी कि मोरूला गया, मोरूला आ गया, बिल्कुल ये हमारी फिर जो स्टेज आ गई ब्लास्टुला, ब्लास्टुला है, बट क्लीवेज यहाँ पर चल रहा है, चल रहा है बिल्कुल, और वो ब्लास्टोसिस्ट है, बिल्कुल सर। तो देखिए सर, अब पहला कह रहा है गेट इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस बाय द सेवंथ डे ऑफ कंसेप्शन, बिल्कुल सही बात है, सेवंथ डे अपन को पता है इम्प्लांटेशन होता है, इसमें क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन, हाँ अब ये डिस्कस इनके साथ मैचिंग इसकी। अच्छा, तो फर्स्ट इम्प्लांटेशन जो है सेवेंथ डे पे होगा कंसेप्शन का, तो सर ब्लास्टोसिस्ट का होगा, इसका होगा, डी का होगा, डी का होगा जी, तो फर्स्ट में डी आना चाहिए, हाँ फर्स्ट में डी। स्टेज आफ्टर सेकंड क्लीवेज डिवीजन, तो सर सेकंड की बात, तो अगर फर्स्ट क्लीवेज होगा तो दो में डिवाइड होगी, दो में डिवाइड, और सेकंड में फिर फोर, फोर में फोर होंगे बिल्कुल। और क्लीवेज का बच्चों पता ही है कि साइज तो सेम रहता है बिल्कुल, बट नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है, जिसको अपन ब्लास्टोमियर्स कहते हैं जी, एक स्पेशल टाइप का सेल ऑफ डिवीजन है। तो सर सेकंड में हम लोग सी लिख देते हैं जी, मलबरी लाइक स्टेज मोरूला, मोरूला तो बी सर थर्ड में, और अकर्स इन एम्पुला फेलोफिन ट्यूब में, तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है, ए आ गया, तो ए आ गया। तो सर फर्स्ट में आना चाहिए डी, डी, या फिर हम लोग अगर डायग्रामेट के हिसाब से करें ए में आना चाहिए हमारा फोर्थ, फोर्थ, तो सर ए में फोर्थ हमें दे रखा है सेकंड ऑप्शन में और थर्ड में, तो ये दोनों तो हो गए बिल्कुल गलत। फिर सर बी में आ रहा है हमारा सी, थर्ड आ रहा है बी में थर्ड, तो सर बी में थर्ड हमें सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, सी में टू, सी में जो है हमारा टू आ रहा है बिल्कुल सही है, और डी में फर्स्ट, डी में फर्स्ट आ रहा है, डी में फर्स्ट आ रहा है सर बिल्कुल। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, काफी अच्छा क्वेश्चन था जी। चलिए सर नेक्स्ट पे जी सर, करेक्ट मैच हमें करना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के इवेंट्स के अकॉर्डिंग, हमें करेक्ट मैच करना है। तो सर अगर हम लोग देखिए करेक्ट मैचिंग इसने पूछी है, करेक्ट मैचिंग तो एनसीईआरटी के लास्ट पेज बिल्कुल वहां पर सबको लिखा हुआ, सब उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पूरा शो कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आपको फाइंड आउट करना। तो सर फर्स्ट मूवमेंट जो है वो फिफ्थ मंथ ऑफ फीटस प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग हमें दिखाई देता है बिल्कुल, तो ये हमारा बेसिकली करेक्ट मैचिंग यहाँ पर हो जाएगा। थ्री मंथ के पश्चात ये लिख रहा है कि एम्ब्रियोनिक हार्ट इज फॉर्म, हार्ट है तो बहुत पहले ही बन जाता है, बहुत पहले बन जाता है, 21 डे पे तो हार्ट की आर्टिफिशियल सुनाई देती है, तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। साइन ऑफ ग्रोविंग, फर्स्ट ग्रोविंग साइन ये कह रहा है डेवलपमेंट और लिम्फ शॉर्टनेस,
डिजिटोलिम से पहले तो हार्ट के ऑर्गन ही डेवलप हो जाते हैं, तो इसकी बात तो ये बैठेगी नहीं बिल्कुल। ये तो लास्ट में आता है जब सेकंड ट्राइमेस्टर एंड होने वाला होता है, और फर्स्ट मूवमेंट और फिफ्थ मंथ में फर्स्ट मूवमेंट अभी मैंने कहा था 21 डे के आसपास हार्ट बन जाता है, तो वन मंथ के एंड में यानी सेकंड मंथ के बिगनिंग में शुरू हो जाती है सारी प्रोसेस। तो डेफिनेटली सर थर्ड आंसर होगा, थर्ड आंसर हो जाएगा सर, थर्ड लगा देते हैं, आगे चलते हैं सर जी। The type of placenta found in human is formed by interdigitation of dash and dash tissues. बिल्कुल, तो प्लेसेंटा जो बनता है मैटरनल और फेटरनल टिश्यू दोनों से बनता है। तो पहला तो अपन को पता है ह्यूमन के अंदर जो प्लेसेंटा का टाइप होता है वो हिमकोरियोनिक टाइप, हिमकोरियोनिक जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो बनाती है, और इसमें ब्लड वेसल डेवलप होती है, इसका नाम रखा गया हिमकोरियोनिक, और उसके अंदर टोटल 6 बैरियर होने चाहिए आइडियल के अंदर, लेकिन इसके अंदर ह्यूमन के अंदर ओनली 3 बैरियर, 3 बैरियर जी सर। तो हिमकोरियोनिक टाइप पर आप देख लीजिए इसमें कोरियोनिक, तो सर फर्स्ट ऑप्शन हो गया बिल्कुल कोरियोन एंड ब्लड इन यूटेराइन वॉल, बिल्कुल, और कोरियोन एंड ब्लड वेसल लाइनिंग इन द यूटेराइन, और ब्लड वेसल ऑफ फीटस एंड ब्लड वेसल ऑफ यूटेराइन, और फोर्थ हो गया एपिथेलियम ऑफ यूट्रस एंड कोरियोन। ओके, तो इसमें देखिए आप कोरियोन और ब्लड वेसल्स यहाँ पे आप लिख दें ब्लड वेसल्स ऑफ यूटेराइन वॉल, कोरियोन और गर्भाशय की भित्ति, यानी कि कोरियम तो अपन को पता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जिसमें इंटरडिजिशन होकर जो अंगुली जैसे प्रोजेक्शंस बनते हैं, प्रवर्ध बनते हैं जिसको अपन से बोलते हैं, जो प्रवर्ध है वो जाकर एंडोमेट्रियम में धंस जाते हैं और उससे प्लेसेंटा डेवलप होती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि प्लेसेंटा जो बनती है वो मैटरनल यानी कि फीटल वाले जो कनेक्टिव टिश्यूज उनसे भी बनती है, और अपने क्या नाम की मैटरनल टिश्यू से भी बनती है, मदर के दोनों से मिलकर बनती है, वो प्लेसेंटा कहते हैं। और एक होती है अम्बिलिकल कॉर्ड जिसमें ओनली फीटल टिश्यू होता है, मैटरनल टिश्यू बिल्कुल नहीं होता, ठीक है ना। तो कोरियोन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और यूटेराइन वॉल ये मिलकर बनाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कहते हैं कोरियोन एंड ब्लड वेसल लाइनिंग द यूट्रस, ओनली ब्लड वेसल नहीं बना सकती क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू भी चाहिए, टिश्यू चाहिए, इसलिए यहां वॉल था बिल्कुल, इसलिए वजह से इसीलिए वॉल लिखा हुआ है। तीसरा ऑप्शन है ब्लड वेसल ऑफ फीटस ओनली ब्लड वेसल से, तो आपको पता ही है वैसे ही गलत हो गया, केवल ब्लड वेसल से कोई बैरियर बनता ही नहीं है। एपिथेलियम ऑफ यूट्रस इसको मान लेते हैं एंडोमेट्रियम हो गया, कोरियोन लेकिन एंडोमेट्रियम नहीं बनाती है क्योंकि एंडोमेट्रियम तो आउटर मोस्ट कवरिंग है, फीटस तो अंदर है उसके एंडोमेट्रियम, तो ये भी गलत है। तो इसका फर्स्ट आंसर सही है सर। Which of the following act as a basal granule for the tail of the sperm? जी, तो basal granule के according सर देखा जाए तो distal centriole हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। इसमें देखिए proximal centriole basically जो होता है वो cleavage शुरू करता है जो head part के अंदर अपन consider करते हैं anatomically। हाँ। और यही वो gift होता है जो एक sperm बिल्कुल ovum को देता है। ovum को देता है, फिर वो cleavage जिसको अपने सर ने कहा था कि special type of mitosis होता है, वो special type of mitosis यही है cleavage, तो शुरुआत कौन करता है proximal centriole करता है, फिर आता है distal centriole। अगर अपने sperm की structure बनाए तो अपन को पता है कि जो यहाँ पर जो है नीचे डिस्टल सेंट्रल होते हैं उससे एक्सियल फिलामेंट लिखते हैं जिसको अपन लिखते हैं 9+2 9+0 ऐसा रिप्रेजेंटेशन अपन देते हैं। इन एक्सियल फिलामेंट के अंदर होता है डाइनिन प्रोटीन, और ये डाइनिन प्रोटीन उस टेल के अंदर मूवमेंट कराता है, फिर वो टेल के थ्रू आगे मूवमेंट करता हुआ आगे जाता है जिसको अपन कहते हैं विग्रस मोटिलिटी बिल्कुल। तो डिस्टल सेंट्रल सेंट्रल का फंक्शन अभी तक अननोन है, एक्रोसोमल बॉडी बात ही अलग है, ये तो पेनिट्रेशन में काम आता है। तो सेकंड आंसर इज परफेक्ट। कोरियोन इज मेड अप ऑफ, सर कोरियोन किसकी बनी हुई है, तो ट्रोफोब्लास्ट एंड सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इनसाइड, बिल्कुल, और नेक्स्ट में ट्रोफोब्लास्ट इनसाइड और सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आउटसाइड, जी नहीं तो ये गलत हो गया। एंडोडर्म इनसाइड एंड सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आउटसाइड, तो एंडोडर्म बता दिया इसने गलत हो गया, और एंडोडर्म आउटसाइड एंड सोमेटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म आउटसाइड। तो सर अगर हम देखें तो इस तरीके से अगर ब्लास्टोसिस्ट अगर देखें तो यहाँ पर जो हमारा इनर सेल मास आ गया इस तरफ एमनियोटिक कैविटी आ गई, तो कोरियोन की बात कर रहे हैं, तो ये हमें पता है कि जो आउटर साइड से ले रहा है मेसोडर्म दो पार्ट्स में डिवाइडेड हुई जाती है, एक सोमेटोप्लूरिक और एक स्प्लेंकोप्लूरिक बनती है, दो बनती है, तो ट्रोफोब्लास्ट तो बाहर होगा बिल्कुल, और अंदर की तरफ सोमेटोप्लूरिक होगी बिल्कुल, बाहर ये कोरियोन आ गई, और कोरियोन हमें पता है ट्रोफोब्लास्ट ही बनाती है, आउटर मोस्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ट्रोफोब्लास्ट आउटसाइड, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोरियोन आउटसाइड है तो ट्रोफोब्लास्ट भी आउटसाइड होगी, और डेफिनेटली वो जो होती है ट्रोफोब्लास्ट वो एक्टोडर्मल होती है, ये एक्टोडर्मल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर ये कहते हैं सोमेटो
अगर डेप्थ में पूछ ले तो ये आपके लिए क्वेश्चन बना दिया गया, इसको आप लर्न कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आप चारों क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, कोरियोन का भी, एमनियोन का भी, और एलेंटोइस का भी, और योक्सेक का। इससे आप चार क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, तो चारों को अपन डिफरेंशिएट करके उनमें से एक क्वेश्चन पीएमटी में श्योर पूछा जाता है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोटर्म होती है ये उसका रिलेटेड पार्ट, उसका रिलेटेड, बिल्कुल सही बात समझा जी सर। क्योंकि ओरिजिनल वाली मेसोटर्म तो बाद में बनी, बाद में बनेगी, वो ऑर्गन फॉर्मेशन में काम आएगी। अब सर एक गिवन फिगर हमें दे रखा है और इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पर मैचिंग करनी है। गिवन फिगर शोन ह्यूमन फिटस का फिगर है सर ये, और स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं ए बी सी डी, तो हमें करना है कि कौन सा ऑप्शन है। कुल मिला के लेबलिंग हमें लेबलिंग करनी है, सही बात। ये तो देखिए आप सीधा दिख रहा है, ये हेड लाइक स्ट्रक्चर जा रही है, प्रोजेक्शन फिंगर लाइक, ये कोरियोनिक विलाई है, कोरियोनिक विलाई है आपकी। और ये जो दिख रहा है जो छोटा सा पार्ट है, ये योक्सेक है, ये योक्सेक आ गए आपके, और इधर अपने म्यूकस प्लग है जो अपने सर्विक्स और वेजाइना के अंदर के पास में होता है, पास में। और ये जो है वो अम्बिलिकल कॉर्ड है, बिल्कुल सर। तो ए सर अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अम्बिलिकल कॉर्ड सर हमें सभी में दे रखा है जी, ठीक है। अच्छा इसमें भी थोड़ा सा दे रखा है, अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स वेन्स, अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट वेसल्स, तो ये हमारा थोड़ा सा है। फिर बी में सर फिम्बरी, और बी में बेसिकली प्लेसेंटल विली, और बी में प्लेसेंटल विली। तो फर्स्ट में देखिए सर, बी में हमारा कोरियोनिक विली आ गया, बिल्कुल। बट सी इसने फिर एंट्रम बता दिया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया गलत, बिल्कुल सही बात। फिर सेकंड ए, सेकंड को देखते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट वेसल्स, बिल्कुल सही बात। बी फिम्बरी, सी ऊसाइट बता दिया, ये गलत हो गया, तो गलत हो गया, गलत है बिल्कुल। अम्बिलिकल कॉर्ड विद इट वेसल्स, बी प्लेसेंटल विली, बिल्कुल सही बात है, कोरियोनिक विली या प्लेसेंटल विली, प्लेसेंटा कोरियोनिक बनाती है, बिल्कुल। सी योक्सेक, तो ये हमारा सर कुल मिला के सही आंसर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया। तो कुल मिला के यहाँ से एक सीख हमें बच्चों को देनी है, डायग्राम एनसीईआरटी में जो रखा हुआ है, जरूरी नहीं कि कई बार उसकी एज इट इज स्ट्रक्चर पूछ ले, अगर हम यहाँ पे घुमा के प्लेसेंटल विली की जगह कोरियोनिक विली लिख देती तो आपको सिनोनिम्स थोड़े पता होंगे, सिनोनिम्स पास पास में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे चलते हैं। Which one of the following statement about morula in human is correct? तो सर पहले तो ये समझना है कि मोरूला बनेगा कब, क्लीवेज के बाद, जैसे कि जाइगोट था जैसा आपने उधर बनाया, जाइगोट यहाँ पर हो गया, ये टू एंड स्ट्रक्चर हो गई। अब इसमें सर क्या स्टार्ट होगा, अगर साइज चेंज होगा तो फेलोपियन में फंस जाएगा, फंस जाएगा। अंदर जो सेल बन रही है जिसको अपने ब्लास्टोमियर्स कह रहे हैं, इनके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। अभी अपने कहा था 8 to 16, तो 8 to 16 अपने ब्लास्टोमियर के नंबर ही बता रहे हैं। और सर जब नंबर इंक्रीज होंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो अंदर न्यूक्लियस होगा सेल का, उसका तो डिवीजन हो रहा है, जो बिल्कुल हो रहा है सर, हर सेल के अंदर जा रहा है डिवीजन, तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो डीएनए तो बढ़ेगा, बिल्कुल। तो इसी की रिगार्डिंग सर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इट हैज फार लेस साइटोप्लाज्म एज वेल एज लेस डीएनए, ये तो गलत हो गया, अनक्लीव जायगोट से तो कम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ज्यादा होगा। इट हैज मोर और लेस इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीएनए, ना क्योंकि डीएनए ज्यादा होगा सर, बिल्कुल ये इक्वल बता रहा है, बिल्कुल। इट हैज मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए, तो ये भी गलत हो गया, दोनों एक साथ साथ में नहीं हो सकते। इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव जायगोट बट मच मोर डीएनए, डीएनए सिंथेसिस बढ़ेगा, डीएनए जीन एम्प्लीफिकेशन होगा, डीएनए बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट, क्योंकि सर साइटोप्लाज्म तो यही रहा, जी नया तो कोई आएगा नहीं, तो वो तो साइज उतना ही है, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अलग डिस्ट्रीब्यूट, और डीएनए बढ़ गया, डीएनए बढ़ेगा। हाँ तो सर सही आंसर हम फोर्थ ले लेते हैं जी, फोर्थ तो जाएगा सही आंसर सर। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं सर जी। रिलैक्सिन इज सीक्रेटेड, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है सर, रिलैक्सिन कहां से स्रावित होता है? बिल्कुल जी, सबसे पहले रिलैक्सिन तो देखो आपको दो जगह एनसीईआरटी में तो एक ही बता रखा है कि ओवरी से रिलीज होता है एंड ऑफ प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द पार्टुलेशन के टाइम, लेकिन हमें बेसिक नॉलेज हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये प्लेसेंटा से भी आता है, प्लेसेंटा से, बिल्कुल दोनों से सीक्रेट होकर आता है, ये ध्यान रखिएगा रिलैक्सिन। और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस के जॉइंट्स को रिलैक्स करता है, जो अपन फाइब्रोकार्टिलेज जॉइंट बोलते हैं जिसको, उसको रिलीज करता है और वहां से पार्टुलेशन का प्रोसेस होता है, उसको डायलेट कर देता है उस एरिया को,
और इसी कारण जो पेन होता है वो इतना ज्यादा होता है कि 208 बोन्स टूट रही हो उसके बराबर बराबर का पेन होता है। और ऑक्सीटोसिन भी इसमें साथ में पूरी की पूरी यूट्रस वगैरह सब मिलके ये जो बहुत जबरदस्त का पेन क्रिएट है जिसको अपन लेबर पेन कहते हैं। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है जी सर, जितने भी ओवरी और प्लेसेंटा से रिलीज हो वो सारे के सारे स्टीरोइडल हार्मोन से, ये रिलैक्सिन ऐसा हार्मोन है जो प्रोटीन नेचर का है। सर बहुत आपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम से भी ये पूछा जा सकता है। बिल्कुल ही पूछा जा सकता है। तो रिलैक्सिन का बेटा प्रोटीन नेचर होता है जी। चले सर जी। तो फिर ओवरी भी दे रखा है, प्लेसेंटा भी दे रखा है, बोथ भी दे रखा है, तो आंसर आप बोथ वाला ले लीजिए, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं सर। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड टू इम्प्लांटेशन, रोपण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है जी? इम्प्लांटेशन हमें पता है 7th डे होता है, 7th ईयर 7 टू 9th डे मानते हैं मैक्सिमली, आइडियल जो है वो 7th माना गया। तो सर यहाँ तो 2 वीक बता दिया, 2 वीक में तो एम्ब्रॉय बन जाएगा। अच्छा का सर, हाँ गलत हो गया जी। ब्लास्टोसिस्ट रिप्रेजेंट गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला गलत हो गया सर, क्योंकि इम्प्लांटेशन के संदर्भ में पूछा है तो फिर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होगी यूट्रस में, तो यहाँ पर जो आएगी वो ब्लास्टोसिस्ट आकर जुड़ेगी। बिल्कुल सर। और थर्ड क्यों सही है, क्योंकि देखिए सर ट्रोफोब्लास्ट को, ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट को ये अटैच बता रहा है एंडोमेट्रियम से। बिल्कुल सही बात है, एंडोमेट्रियम से जुड़ेगी, उसी इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट है, बिल्कुल बाहर है, ये इसकी ट्रोफोब्लास्ट होगी, ये तो इसकी ट्रोफोब्लास्ट है बाहर, तो जी। और ये अटैच होगी किससे, एंडोमेट्रियम से जी। और इनर सेल मास तो अटैच थोड़ी होगा, तो ये तो गलत है, इनर सेल मास तो अंदर रहेगा, क्योंकि वो तो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रायो पूरा बनाएगा। तो सर कहीं ना कहीं हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। How many eggs are released from ovary of human female at the time of fertilization if fraternal twins are formed? Oh, twins की बात है कि जो twins दो तरह के होते हैं। जी। एक identical twins होता है जिसको अपन कहते हैं monozygotic twins। उसके अंदर एक ही zygote बनता है और एक की ovary ovum release करती है और उसमें cleavage double हो जाता है। उस वजह से वो twins same हो जाते हैं, जिनको अपन ideal twins बोलते हैं। दूसरा होता है फेटरनल ट्विंस, जिसमें दो डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं अपन, जिसके अंदर दो जाइगोट बनते हैं, यानी एक राइट वाली ओवरी भी रिलीज कर रही है और लेफ्ट वाली भी रिलीज है, दोनों ओवम आएंगे, दोनों स्पर्म तो बहुत सारे होते हैं, मिलियंस में होते, कोई दिक्कत नहीं, वो दोनों में जाते हैं तो फर्टिलाइज कर देंगे, तो उसमें सर दो जाइगोट बन जाएंगे। अच्छा, और दो ओवरी एक टाइम में दोनों ओवरी एक साथ काम करेगी। अच्छा, तो फ्रेटरनल ट्विंस में सर यानी एक ओवरी का ओवम इधर से आएगा, एक राइट से एक लेफ्ट से इधर से आएगा। बिल्कुल, एक स्पर्म इसको फर्टिलाइज कर देगा और एक इसको फर्टिलाइज कर देगा, तो ये भी फिर बच्चे में डबल जायगोट, ये भी जायगोट, ये दो जायगोट हो गए, इसलिए अपन डाइजायगोटिक ट्विंस बोलेंगे। तो ये भी 2n बन गया और ये भी 2n बन गया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सर फिर हम देखते हैं कि दो ओवम की बात जहां पे की है तो 1 बता रहा है, गलत हो गया। नहीं, 3 2 है, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं, 2 एट ए टाइम, बिल्कुल। और इसमें ये भी आप ध्यान रखें कि नॉर्मली अगर अपन बात करें तो 6 मंथ तक अल्टरनेट पैटर्न में काम करती है, जैसे मान लो जनवरी में इस राइट वाली ने रिलीज किया ओवम सेकेंडरी ओसाइट, तो फरवरी में लेफ्ट वाली करेगी, ओके, है ना, इस तरह से ये एक ओवरी 6 महीने काम करती है अल्टरनेट वे, अल्टरनेट वे में काम करती है। और जैसे मंथ की बात करें तो कुछ मंथ 28 डेज के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं, तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि एक साल में कितने ओम लिखे तो आप एक एक्स्ट्रा कर दो, 13 कर दो आप, 13 बिल्कुल, वो डेज का 6 का फर्क रहता है ना, उस वजह से, क्योंकि हमें ओवुलेशन का टाइम काउंट करता है, तो ओवुलेशन का टाइम वो होता है 14वें दिन अपन काउंट करते हैं, तो 14वें दिन अगर माने तो टोटल जोड़े तो 14वां दिन आ जाता है, 14 दिन ओवुलेशन हो जाएगा, इसलिए 1+ कर देते हैं, 1+ कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, यानी कि अगर साल में अगर आपसे इनसे रफ आइडिया पूछे बच्चों से तो ऑप्शन में 13 13 हां बिल्कुल 13। नेक्स्ट पे चलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट किससे बनी हुई है, कंसिस्ट ऑफ, तो आउटर कोरियन एंड इनर सेल मास, आउटर एम्नियन एंड इनर स्टेम सेल, आउटर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास जी। तो ब्लास्टोसिस्ट में दो चीजें होती है, आउटर तो ट्रोफोब्लास्ट होती है और अंदर की ओर इनर सेल मास होता है। अभी जो हमने डायग्राम बनाया था सर, जो आप बना रहे जी सर, इस तरीके से इनर सेल मास थी और ये जो बाहर की जो लेयर थी वो क्या थी, ट्रोफोब्लास्ट होगी, बिल्कुल सही बात, ये कैविटी होगी, कैविटी होगी ब्लास्टोसिल, ये एम्ब्रायो डेवलप कर लेगा, ये प्लेसेंटा डेवलप कर सकता है। तो सर आंसर हो गया आउटर ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास, थर्ड आंसर हो गया। अब ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एक्स एक्ट करता है इंटरस्टिशियल सेल पे, तो सर इंटरस्टिशियल सेल अगर मैं टेस्टिस का ऐसे सेक्शन बनाऊं तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और इनके बीच का ये जो स्पेस है ये इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया, और यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है जिन्हें हम लोग लिडिक सेल्स कहते हैं या फिर हम लोग इंटरस्टिशियल सेल, हाँ बिल्कुल सॉरी पूरा हो गया, कोई बात नहीं, वापस बना दूंगा, कलर चेंज कर रहा था, ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आ गई, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, ये बीच का स्पेस आ गया, इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया,
और यहाँ पर हमारे जो सेल्स हैं जी ये लीडिंग सेल हम कह सकते हैं या फिर इन्हें इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, बिल्कुल है ना। अब इससे रिलेटेड पूछ रहा है कि एक हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, तो सर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलते हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से, बिल्कुल सही बात है, यानी LH और FSH दो ही निकलते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये इंटरस्टिशियल सेल पर एक्ट करता है, बिल्कुल इस पर तो सर एक्ट करेगा वो LH करेगा जिसका नाम ICSH ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो X तो हमें पता चल गया सर LH। और क्या पूछ रहा है इसके सिक्रेशन से अब ये कौन सा फिर सीक्रेट कर रहा है, एंड्रोजन निकाल देगा, एंड्रोजन निकाल देगा, टेस्टोस्टेरोन जिसका बिल, जिसका बिल्कुल मेन कंपोनेंट होता है। तो सर हमें फिर देखना है एक्स एलएच और वाई, बिल्कुल वाई आपके ये हो जाएगा एंड्रोजन हार्मोन हो जाएगा, यहां टीएसएच तो काम ही नहीं, काम ही नहीं, एस्ट्रोजन तो फीमेल पर मतलब ही, टेस्टोस्टेरोन कह नहीं सकते क्योंकि अपन को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलता है, तो एंड्रोजन को प्रायोरिटी देंगे अपन सर, और इधर एक्स में एफएसएस दे दिया है तो वैसे ही गलत हो गया। तो सर थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर जी सर। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, select the incorrect statement related to menstrual cycle, menstrual cycle की first menstruation को sir menarche कहा गया, बिल्कुल सही बात है, first को menarche बोलते हैं, जो first beginning of menstrual cycle is called menarche, वो first होता है, permanent cease हो जाती है जब menopause कहते हैं, बिल्कुल menopause के बाद menstrual cycle बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल सही बात है, बाद में तो stop हो जाता है, उसकी वजह से estrogen की deficiency होती है, और वो osteoporosis वाला disease female में बहुत ज्यादा common हो गई है, जी sir। Sometimes lactation amenorrhea, जी ये जो कि हमारा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी है, बिल्कुल सर, अकर्स ड्यू टू पुअर हेल्थ और फिजियोलॉजिक, ये तो कोई लिंक ही नहीं है इसका, कोई अलग है, लैक्टेशनल का मतलब भी होता है मिल्क से, ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो ड्यूरेशन होता है डिलीवरी के बाद में 6 मंथ तक, हम कहते हैं कि साहब जो प्रोलैक्टिन का लेवल होता है फीमेल में बहुत ज्यादा होता है, और प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है तो नेचुरली एफएसएच कम हो जाता है, क्योंकि इसको नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, और इस दौरान जो है मेनस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, नहीं आएगी, तो फॉलिकल डेवलपमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि एफएसएच का आपने पहले ही कम कर दिया है। तो 6 मंथ तक आइडियल अपन कहते हैं कि आइडियल 6 मंथ तक, 3 to 6 एवरेज है आइडियल, जो माना गया मेडिकल साइंस में 6 मंथ तक उसको मेनस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी आफ्टर पार्चुरेशन, यानी फीमेल के अंदर टोटल पार्चुरेशन की बात करें अपन तो 9th month तो वो हो गए आपके प्रेगनेंसी के, और 6 मंथ ये हो गए, टोटल 15 मंथ तक मेस्ट्रो साइकिल नहीं आएगी, नहीं आती जी। और इसको ये बता रहा है पूर हेल्थ नहीं, 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 हेल्थ तो हर बंदे के इंडिया में बहुत से लोगों की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सबके अंदर ऐसा, उसके कारण लैक्टेशन एम्ब्रियो जी, लैक्टेशन का कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर, और इनकरेक्ट ही पूछा था सर हमसे जी, तो ये इनकरेक्ट है सर आपके, और बेसिस ऑफ लैक्टेशन एम्ब्रियो इज द इनहिबिशन ऑफ एफएसएस ड्यूरिंग हैवी लैक्टेशन पीरियड ऑफ फीमेल, ये आगे मिलता है जी। तो सर थर्ड हमारा गलत हो गया जी सर। नेक्स्ट पे चलते हैं सर, सेलेक्ट एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जी सर जो मादा जनन तंत्र है उसके रिगार्डिंग हमें गलत कथन यहाँ पर चूज करना है जी सर। ओवेरियन मेडुला कंटेन्स ग्रोइंग स्टेजेस ऑफ टर्शियरी फॉलिकल, देखिए आप इसमें ना ये गलत हो गया, ये पहली बात है कॉर्टेक्स और ये मेडुला, जितने भी प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल ग्राफ है जितने भी इवेंट होंगे वो कॉर्टेक्स में होते हैं, मेडुला में ब्लड वेसल्स कनेक्टिव टिश्यू ये सारी चीजें होती है, नर्व सप्लाई वगैरह लिम्फेटिक सप्लाई वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर है, लेकिन कॉर्टेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल इसलिए सर ओवेरियन मेडुला में ये पहला ही गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखा जाए तो मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीटेड हो रहा है किसमें, टर्शियरी फॉलिकल, ये गलत है, ये गलत है, ये तो सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस फर्स्ट हो जाती है, मियोसिस फर्स्ट अगर कम कह रहा है टर्शियरी फॉलिकल, हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है, तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी ऑसाइड बन जाती है, सेकेंडरी फर्स्ट प्राइमरी ऑसाइड कंप्लीटेड, फर्स्ट प्राइमरी मियोसिस फर्स्ट अगर कंप्लीट होगा तो नो डाउट आपके मान टर्शियरी फॉलिकल बनेगी और अंदर सेकेंडरी ऑसाइड बन जाएगा, ये सही बात है, सही बात है ना सर। ग्राफीन फॉलिकल कंप्लीटली मैच्योर्ड फ्रॉम, बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट है, और मोस्ट ऑफ फॉलिकल फॉर्मड इन ओवरी आर डीजनरेटेड ड्यू टू फॉलिकुलर एट्रोफी, बिल्कुल कहते हैं ना अपन जी भाई बर्थ के टाइम 4 लैक के आसपास प्राइमरी ऑसाइड्स बनती है, प्राइमरी फॉलिकल्स बनती है, और प्राइमरी फॉलिकल जब प्यूबर्टी आती है उस समय तो फीमेल में ईच ओवरी के अंदर बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज है 16,000 to 80,000 ईच ओवरी में रहती है, यानी दोनों को माने तो अपन करीबन 1.5 लाख के आसपास बसती है, टोटल बनी 4 लाख, यानी करीबन 2.5 लाख के आसपास 2.5 लाख के आसपास जो प्राइमरी फॉलिकल्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसी अपन बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रोफी। तो सर ये हमारा गलत, तो कुल मिला के ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, पहला गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा था इसलिए 51 में सही आंसर हो गया फर्स्ट फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं सर,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज फंक्शनली इनएक्टिव स्ट्रक्चर इन ओवरी. फंक्शनली इनएक्टिव पूछ रहा है, जिसका कोई काम नहीं, काम फालतू में है. ओवेरियन फॉलिकल का तो काम है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल ग्राफ सब कुछ बनाने का काम ही फॉलिकल का है. और कॉर्पस ल्यूटियम अगर नहीं होता तो आज इतनी पॉपुलेशन ही नहीं होती. बिल्कुल सही बात है, ना तो प्रेगनेंसी होती, ना प्रोजेस्टेरोन होता, ना एस्ट्रोजन होता, कुछ भी नहीं होता. और ग्राफियन फॉलिकल बिल्कुल जब मैच्योर होती है, ग्राफियन फॉलिकल सेकेंडरी ओसाइट को होल्ड करती है, फंक्शनल है, एस्ट्रोजन का भी रिलीज करती है. बिल्कुल साहब, थीका इंटरना जो इसकी है, और इसकी जो अपने फॉलिकुलर सेल्स होती है, इनहिबिन हार्मोन का रिलीज करती है. और मेल के अंदर अगर इनहिबिन की बात करें तो सर्टोली सेल रिलीज करता है, और फीमेल की बात करें तो अपन को पता है फॉलिकुलर सेल्स करती है. जी सर, कॉर्पस एल्बिकेनस. हाँ, ये तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने के बाद में स्ट्रक्चर बनता है, इसका कोई रोल नहीं है, कोई बिल्कुल कोई फंक्शन नहीं है ओवरी के अंदर. ये तो एंडिंग स्टेज है फॉलिकुलर एट्रेसिया की तरफ. जी सर, तो कुल मिला के हमारा 52 में सही आंसर क्या हो जाएगा सर? जी फोर फोर हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं सर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ पार्चुरेशन? जी तो फर्स्ट फेज सर पार्चुरेशन का डाइलेशन फेज होता है. बिल्कुल जी, पार्चुरेशन का मतलब है कि जो एक्सपल्शन ऑफ फिटस फ्रॉम द फीमेल बॉडी होता है, यानी कि इस तरह से वो बाहर निकलता. तो सबसे पहले अपन को पता है जहां से बर्थ कैनाल होती है, बर्थ कैनाल अपन सर्विक्स और वजाइना को दोनों को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब पार्चुरेशन होता है तो अप साइड टू डाउनवर्ड होता है, पिरामिड शेप का होता है यूट्रस. तो सबसे पहले जो फैलता है, जो स्प्रेड होता है, वो होता है सर्विक्स पार्ट का. तो सर्विक्स और वजाइना का डायलेशन होता है, जिसको अपन कहते हैं डायलेशन फेज. उसके बाद में कॉन्ट्रेक्टाइल फेज आती है यूट्रस की, फिर वो प्रोपेल होकर बाहर आता है फिटस. फर्स्ट फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. Which of the following is the most appropriate stage of human morula? Morula का पूछा. तो 8 to 16 years. 8 to 16 stage होती है, straight forward answer है. मलबरी shape होती है. मलबरी shape होती है, solid होती है, कोई cavity होती नहीं है इसकी. बिल्कुल सही. तो 8 to 16 is cell stage of embryo. जी. ये भी एकदम factual question. Factual question, straight forward stage. जी sir. फिर sir, which of these is not an important component of initiation of parturition in human? तो इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन की बात करें तो अपन एनसीईआरटी के बेस पे चलते हैं. तो पार्चुरेशन एग्जैक्टली अपन कहते हैं फिटो इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं इसको. फीटल और इजेक्शन को इजेक्ट करना होता है बॉडी से बाहर. इसके लिए जो मैसेज जाता है वो दो तरीके से आते हैं, एक तो प्लेसेंटा से और एक फुली डेवलप्ड फीटस. दोनों मैसेज भेजते हैं हाइपोथैलेमस को कि हम भाई अब कंप्लीट हो गया डेवलपमेंट, अब हमें बाहर जाने दिया जाए, या फीटस को बाहर प्रोपेल किया जाए या डिलीवरी पार्चुरेशन किया जाए. तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है, साथ ही साथ में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बढ़ता है. प्रोस्टाग्लैंडिन में सिंथेसिस जो लोकल हार्मोन की तरह काम करते हैं, जो अपने क्या कहते हैं स्मूथ मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जो यूट्रस में होती है, जो लेबर पेन कॉज करती है. और ऑक्सीटोसिन नो डाउट मेनली इसलिए होता है, पार्चुरेटिव हार्मोन है, सीधी सी बात है. तो ये सारे इन्वॉल्व, लेकिन प्रोलैक्टिन तो मिल्क सिंथेसिस से रिलेटेड होता है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होता है पार्चुरेशन से, सीधी सी बात है. सर फर्स्ट आंसर चला गया. प्रोस्टाग्लैंडिन सर पेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल? बिल्कुल, पेन के लिए वो लेबर पेन कॉज करेगा सर. ठीक, तो फर्स्ट आंसर हमारा सही आंसर सही है. नेक्स्ट पे चलें सर. कोर्टिकल रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद? जी, कोर्टिकल रिएक्शन ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड. कोर्टिकल रिएक्शन बेसिकली आप थोड़ा ध्यान रखें, जैसे स्पर्म ओवम के अंदर एंटर करता है तो उसमें ओवम की स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए कि ओजेनेसिस हुआ कैसे. ओजेनेसिस के अंदर जो ग्रोथ फेज होती है, जहां पर प्राइमरी ओसाइट की बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, उसके बाद में उसमें ग्रोथ फेज को दो में डिवाइड किया, एक तो प्री वाइटल ओजेनेसिस और एक वाइटल ओजेनेसिस, जिसे पीतक पूर्व जनन और पीतक जनन अपन कहते हैं. तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट जो स्टेज होती है प्री वाइटल ओजेनेसिस, जो योग के फॉर्मेशन से पहले, हाँ योग के फॉर्मेशन से पहले पूरी प्रिपेयर कर लेता है, क्योंकि उसको आगे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में जाता है, तो वो सारी चीज को स्टोरेज कर लेता है. और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है गोल्जी बॉडी का. गोल्जी बॉडी है जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बनाती है, कॉर्टिकल रिएक्शंस करती है. उसमें क्या होता है, जैसे स्पर्म आता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओम को डैमेज करता है, डैमेज करते ही स्पर्म जैसे अंदर जाएगा तो वहां पर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं जो स्पर्म के ओवम के साइटोप्लाज्म में पड़े हैं, वो फट जाते हैं. क्योंकि स्पर्म जैसे ही जाएगा वो कैल्शियम रिलीज करेगा, कैल्शियम रिलीज करते ही ग्रेन्यूल्स फट जाएंगे, फटते ही वो जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फटते हैं वो रिलीज करेंगे कुछ ऐसे सब्सटेंस तो ये जो रिएक्शन होती है स्पर्म और ओम के बीच में जो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन बनने की, इन्हीं को अपन बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन. तो सर फर्टिलाइजेशन से फर्टिलाइजेशन से अगर ऐसे भी पूछ लेगी ये रिएक्शन के कारण हम किसको प्रिवेंट कर सकते हैं, पॉलीस्पर्म. बिल्कुल, एक से ज्यादा स्पर्म को एंटर नहीं होने से. तो सही आंसर बच्चों इसका 56 में हमारा कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन. इन ह्यूमन फीमेल ओव्यूलेशन अकर्स ड्यूरिंग मेनस्ट्रुअल साइकिल. जी, तो मेनस्ट्रुअल साइकिल में कब ओव्यूलेशन होता है? तो सर ये दोनों तो गलत हो गए, सेकंड और थर्ड तो
बिल्कुल मैंने स्टेज एक से पांच दिन तो ब्लीडिंग फेज, छह से तेरह तक अपने हो जाती है कौन सी प्रोलिफरेटिव फेज, और चौदह दिन ओवुलेशन और आगे जो रहती है वो सीक्रेटरी फेज। तो सीक्रेटरी में तो होगा नहीं, इधर तो होने का सवाल ही नहीं होता, या तो ओवुलेशन या इस दोनों के बीच में, दोनों गलत हो गए। बिल्कुल सर, बिगनिंग ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज, बिगनिंग तो नहीं होता, बिगनिंग तो 6 डे ही हो गया, या तो ही नहीं, या तो या तो एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव हो तो बात समझ में आती है। फर्स्ट ऑप्शन है सर, एंड ऑफ प्रोलिफरेटिव। बिल्कुल सही, सही फेज प्रोलिफरेटिव अवस्था की अंत, अंत में बिल्कुल, क्योंकि उसके आगे जस्ट ओवुलेटरी फेज। अब सर एक डायग्राम है, हमें कंक्लूड करना है करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इसके अंदर जी। तो ऑल द स्पर्म्स अटैच्ड विद ओवम, दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए विकल्पों के लिए सही स्पष्टीकरण को आप हमें बताना है। तो ऑल द स्पर्म्स अटैचेस विद ओवम, ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम टुवर्ड्स द स्पर्म, ओवम एंड सराउंडेड स्पर्म वर गोइंग टू टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन, और स्पर्म इंड्यूसेस चेंज इन द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटर। तो ये हमें सर देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सर ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है कि एक ओवम है और इसके ऊपर स्पर्म आ रहे हैं, सारे ये अटैक कर रहे हैं जी सर। हां तो इसमें अपन को पूछा हाँ, गया है सही करेक्ट है ना सही, तो ऑल स्पर्म्स अटैच विद ओवम, तो ये तो कोई देख के भी पता चला, एक तो ये तो सेपरेट ही पड़ा है, अटैच हुआ ही नहीं, अटैच हुआ ही नहीं, ये तो घूम रहा है बाहर, ठीक है ना। तो ये आपके गलत हो गया सर। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवम, ओवम तो जाएगा ही नहीं, ओवम तो बैठा है, ओवम तो अपनी जगह रहेगा, एम्बुला में पड़ा है, तो ये नहीं इनका अपनी जगह है, ये तो वेट करेगा, आओ मुझे फर्टिलाइज करो, ठीक है चलिए सर, इनविटेशन है ये तो, चलिए सर। ओवम एंड सराउंडेड स्पर्म वर गोइंग टू टेक पार्ट इन फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल ये बात है, सारे के सारे फर्टिलाइजेशन में टेक पार्ट करने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है सर। जो पहले कर देगा हां वो है वो अपना भाई, सीधे सा फंडा है, 2-3 मिलियन स्पर्म आते हैं, यानी एक तरह की पूरी बारात आती है, दूल्हा एक ही होता है, वैसी बात है कि इसमें भी दूल्हा जो है वो एक ही है, और जिसकी कार तेज चलती है वो जाकर आगे पहले जाएगा सीधे सीधे। तो कुल मिला के सही आंसर हमारा थर्ड हो जाता है, क्योंकि सर स्पर्म इंड्यूस चेंजेस इन द सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा जी, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा में थोड़ी चेंज करते हैं, नहीं नहीं ये तो ना उसे ब्लॉक करता है, हाँ कोरोना रेडिएटर तो बाहर ही पड़ा है उसके, तो जो जैसे मैं बना दूं आपको, ये कोरोना रेडिएटर एयर होती है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड के बैंड होते हैं, इसको इसने डैमेज कर दी, ये तो टूटा हुआ पड़ रहा है, सेल सेपरेट हो जाएगी सर, ये वापस कोई ब्लॉक नहीं करेगी, कुछ भी आओ कुछ भी जाओ, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कोई हटा रहा जैसे ये हटा दिया इसने, ये अलग होगी जी। तो कुल मिला के एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन हो गया, पहले आप हटाइए हटाइए फिर जाइए, तो सर सही आंसर हो गया इसका थर्ड हो गया। एम्ब्रियोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर बच्चे इसको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़े तो। मिल्क लेटडाउन हार्मोन बात कर रहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग, लेटडाउन मतलब इजेक्ट करना, बॉडी से बाहर, ऑक्सीटोसिन होता है क्योंकि जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है मेमरी ग्लैंड में और मिल्क बाहर आ जाता है, और जो बेसिकली जो मातृत्व है जी उससे रिलेशन, बिल्कुल मैटरनिटी हार्मोन है, मैटरनिटी इसका दूसरा नाम, अगर आपको याद रहे बच्चों को याद रखना है, पिटोसिन नाम है, याद रखिएगा इसका दूसरा नाम पिटोसिन है, तो लेबर हार्मोन भी है, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी, खूब सारे इसके सिनोनिम्स है बेसिकली, और ये बनता हाइपोथैलेमस में है और रिलीज पोस्टी, बिल्कुल हाइपोथैलेमस में बनके हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस के थ्रू ये आता है अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको अपन कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस या पार्ट्स नर्वोसा, वहां जाकर स्टोर होता है, स्टोर तो नहीं कह सकते लेकिन टेम्पररी ड्यूरेशन होता है, क्योंकि स्टोरेज ऑफ हार्मोन का बॉडी में कहीं होता ही नहीं है, थायरॉक्सिन है जो टेम्पररी 2 महीने तक स्टोर है जी सर। तो सर सही आंसर हो गया इसका थर्ड जी सर।